आतंकी हाफिज सईद से नापाक प्रेम पर भड़का अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान भले ही जमात दावा प्रमुख हाफिज सईद को निर्दोष साबित करने में जुटा हो, लेकिन इस मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से जोर का झटका दिया है। हाफिज के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल पाकिस्तान का नापाक हाफिज प्रेम अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। हाफिज को लेकर पाकिस्तानी पीएम के बयान पर अमेरिका ने दो टूक कहा है कि हम हाफिज सईद को आतंकवादी के तौर पर देखते हैं, जो एक विदेशी आतंकी संगठन का हिस्सा है। वो 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, जिसमें अमेरिकन समेत कई लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता हीथर नॉर्थ ने अपने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा चलाने को भी कहा है। हीथर यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान संबंध के मामले पर पूरा प्रशासन एकजुट है। ट्रंप प्रशासन उम्मीद करता है कि पाकिस्तान आतंकवादी मामलों से निपटने में अधिक योगदान दे। हीथर ने कहा कि हमने अपनी बात साफ कर दी है और अपनी चिंता के बारे में भी पाकिस्तान सरकार को बता दिया है। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में पाकिस्तानी पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने एक बयान में हाफिज सईद को क्लीन चिट देते नजर आए थे। अपने एक इंटरव्यू में खाकानी ने कहा कि हाफिज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इतना ही नहीं, इस दौरान पाक पीएम ने हाफिज को बाकायदा साहब कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद साहब के खिलाफ पाकिस्तान में कोई मामला नहीं है, ऐसे में जब कोई मामला दर्ज हो तभी कार्रवाई की जा सकती है। हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तानी पीएम के बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और अब अमेरिका ने भी हाफिज के मुद्दे पर बयान जारी कर पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया है कि अब आतंकवाद के मुद्दे पर उसका कोई फरेब चलने वाला नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।